ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं अपच पर। हर रोग का जो मूल है उसे हम अपच, उसके बाद कब्ज, उसके बाद एसिडिटी, गैस, सर्दी, बुखार, जुखाम, ना जाने क्या क्या इसके बाद लग जाता है। अर्थात यदि आप माने तो हर रोग का जो जड़ है, हर रोग का जो मूल है, वो है पेट का साफ ना होना, यानी कि कहें कि भोजन का ठीक से ना पच पाना। यदि आप इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो आपको बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि अपच के मूल कारण क्या है। यदि आप वो जान लेते हैं तो आप अपच होने से अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी देह को उससे सुरक्षित रख सकते हैं। मित्रों, अपच होने में जो सबसे बड़ा कारण है, वो पहला कारण जिसको हम मानते हैं, वो बिना भूख के भोजन करना। आपने देखा होगा कुछ लोग घड़ी के समय के अनुसार भोजन करते हैं। वो ये नहीं देखते उनको भूख लगी है कि नहीं लगी है, बस समय हो गया है तो भोजन कर लेना चाहिए, काम खत्म हो जाए ताकि आगे का निपटना रहे, और मतलब एक बार काम खत्म हो जाना चाहिए, उनको ये लगता है। मित्रों, यदि आपने बाहर के काम खत्म करने के चक्कर में आप पड़ गए तो आपके पेट का काम बढ़ जाता है, क्योंकि आपको भूख नहीं लगी है तो इसका मतलब है कि आपके पाचक रस ठीक से नहीं बनेंगे, और पाचक रस जब आपके ठीक से नहीं बनेंगे तो आपका भोजन जो है वो ठीक से हजम कदापि नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप कहें कि आपका पेट सामान्य रहे, सही रहे, वो संभव नहीं होता है। उसके बाद दूसरा कारण है भूख से अधिक भोजन का सेवन करना। कुछ लोगों को हमने देखा है, हमने इसके लिए पहले एक वीडियो दिया हुआ था कितना भोजन करें, हमारी प्लेलिस्ट है उधर, उसमें आपको कुछ इस टाइप का हमने हेडिंग दिया था, मुझे याद नहीं है अभी, वो आपको वीडियो देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा आपको कितना भोजन करना चाहिए। मित्रों, हमने स्पष्ट बताया था कि जब आप भोजन कर रहे हैं उस समय पहली बार एक सवाल आता है और लू के नहीं, जहां यह सवाल आया वहां यदि आप रुक जाते हैं तो आपका पेट कभी भी खराब नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे अभी तो जगह बाकी है, अभी तो वो लोग इतना खा रहे हैं, मैं तो इतना खा ही सकता हूँ या खा ही सकती हूँ, और इतना बच गया है, इसका क्या करें, खा लेते हैं। हम अक्सर ये गलती, ये भूल, ये चूक करते हैं और भूख से यानी कि आवश्यकता से अधिक सेवन कर लेते हैं। मित्रों, एक पात्र में यदि आपको शरबत बनाना है, उसमें कुछ घोलना है, तो आपको उसके लिए पात्र थोड़ा खाली रखना पड़ता है, तभी आप उसमें चम्मच ठीक से हिला के उसको घोल सकते हैं। अन्यथा पात्र यदि पूरा भर दे और उसमें चम्मच हिलाने जाएंगे तो उससे दूध बाहर गिर जाएगा, आप उस पात्र को ठीक से चला नहीं सकते। वैसे यदि कमरा पूरा भर जाए तो आप उसकी सफाई ठीक से नहीं कर सकते। कमरे में बहुत अधिक सामान आप भर देते हैं तो उसकी सफाई आप नहीं कर पाते, इसलिए सामान यदि लिमिट में रहे, एक सीमा में रहे, तो आपको कमरे की सफाई करने में आसानी होती है, अन्यथा सामान अधिक होने पर सफाई नहीं होती। वैसे हमारे पेट में होता है, और ऐसी स्थिति में जब आप अधिक भोजन कर लेते हैं तो जो आपके पाचक रस बनते हैं वो आपके जठर में जो जगह थी वो तो आपने भर दी है, तो पाचक रस जठर में ना जाके ऊपर को आने लग जाते हैं, और जो जठर में जो आपकी थोड़ी जो वो अग्नि थी वो भी जब जठर में स्थान नहीं है तो ऊपर को उठती है, और जूसेस के साथ आपके जो पाचक रस है उसके साथ वो अग्नि पैदा करती है, और वो आपकी छाती को, आपके सीने में जलन पैदा करती है, जिसे आप एसिडिटी के नाम से जानते हैं। इसलिए अक्सर कुछ लोगों को भोजन के बाद एसिडिटी होती है, उसका मूल कारण ये होता है जो अधिक खाते हैं। आपने देखा होगा एक जैसा भोजन कुछ लोगों ने किया, दो जनों ने किया, एक ने कम खाया, एक ने अधिक लिया, तो जिसने अधिक लिया उसको समस्या होती है, जिसने कम खाया उसको समस्या नहीं होती है। और आप देखेंगे कि जब हम कुछ चीजें ऐसी खाते हैं जो खाने योग्य नहीं है, जिसे हम कहते हैं पिज्जा, बर्गर, बाहर का खाना, मैदे का खाना, बहुत तीखा मिर्च मसाले वाला भोजन, जब आप ये चीजें खाते हैं तब आप देखते हैं कि पाचन शक्ति ठीक से काम नहीं कर पाती है, और ऐसी स्थिति में पेट खराब होना बहुत ही सामान्य हो जाता है। आपने ध्यान दिया हो तो जिस दिन आप कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं, जैसे पूरी है, पराठा है, भारी खाना है, ये खाते हैं, उस दिन देखिए दूसरे दिन आपका पेट साफ नहीं होगा। जिस दिन आप नॉनवेज खाते हैं उसके बाद आप देखेंगे आपका पेट साफ नहीं होता। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप सोचते हैं कि अरे वो खाते उनको हजम हो जाता, हमें क्यों नहीं होता। सबका प्रारब्ध, सबका वर्तमान कर्म, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती। उसके बाद एक बहुत बड़ा कारण और बनता है, माना कि आपको बहुत जोर से भूख लगी है, आप काम पर से लौट रहे हैं, आपने सोचा घर जाके आज अच्छे से पत्नी ने बनाया, मैंने बताया वही बनाया है, मेरे मन पसंद का भोजन है, आज मैं अच्छे से भोजन करूंगा। लेकिन जहां आप भोजन करने बैठते हैं वहीं आपको कुछ दुखद समाचार मिल जाता है।
आपका भोजन करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, क्योंकि दुखद समाचार इतना बड़ा होता है, इतना भयंकर होता है कि आपकी भोजन करने की इच्छा वहां समाप्त हो जाती है, आपके पसंद का भोजन होने के बाद भी। और ऐसे में भी आपको कहा जाए कि अरे दो रोटी खा लो, आधा रहेगा, आपकी खाने की इच्छा नहीं होती है, तो स्थिति साफ बताती है कि आपको अभी भोजन नहीं करना है, क्योंकि तनाव की स्थिति में, गुस्से की स्थिति में और क्रोध की स्थिति में यदि आप भोजन करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है जिसको भोजन को पचाने में लगना चाहिए, वो आपकी ऊर्जा उस स्थिति में लगती है जो आपने मानसिकता में बना ली है। अर्थात जो अशांत मन है, जो चिंतित मन है, जो बेचैन मन है, उसको सही नियंत्रित करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा वहां खर्च हो जाती है, वो ऊर्जा आपके भोजन पचाने में नहीं लगती, तो ऐसी स्थिति में भी आपका जो भोजन है वो ठीक से हजम नहीं होता है और ये आपको समस्या देता है। और जब भोजन ठीक से हजम नहीं होता है तो उसमें कुछ जो हमने बताया कि कब्ज हो जाती है, गैस होती है, एसिडिटी बनती है, अर्थात अम्लपित्त बढ़ जाता है, और इसके बाद कई बार कफ भी बनने लग जाता है, यदि छाती में बढ़ जाए तो कफ भी बनता है, और किसी किसी को सर्दी जुकाम लगा रहता है। मित्रों ये बहुत छोटी सी समस्या जिसमें इस बड़ी बड़ी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। और हाँ, एक जो बड़ा कारण है क्या बताना कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, कुछ लोग कंपटीशन लगाते हैं अरे कौन जल्दी भोजन करता है। नहीं, बहुत धीरे भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत फटाफट भोजन भी नहीं करना चाहिए, भोजन आपको चबा चबा के खाना चाहिए। ये हमने पहले भी बताया है कि यदि आप भोजन चबाते हैं, यदि आपके दांत अपना काम नहीं करते हैं तो आपकी आंतें वो काम कदापि नहीं कर पाएंगी। आप अपने दांतों को उनका काम करने दीजिए तो आपकी आंतें ठीक से अपना काम कर पाएंगी। मित्रों यदि दांत काम नहीं करते हैं तो आपका भोजन जो है चबता नहीं है। और कई बार तो लोग, मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि भोजन करते करते जल सेवन करते हैं यानी कि पानी पीते हैं, तो भोजन चबाते नहीं है, पानी के सारे उतार देते हैं। पानी, कुछ लोग पानी लेते हैं, कुछ लोग छाछ लेते हैं, कुछ लोग दाल का पानी पी लेते हैं, अर्थात वो सोचते हैं कि यदि हमने पानी नहीं पी ये ले लिया तो उससे नुकसान नहीं होगा। मित्रों एक बात, यदि आप भोजन चबा नहीं रहे, यदि आप मुंह खाली करने के लिए कोई भी चीज लिक्विड सेवन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भोजन को चबा नहीं रहे हैं। और जब आप भोजन चबाते नहीं है तो वो काम, वो जो भोजन है वो आपका ठीक से हजम नहीं हो सकता। ये एक सामान्य सी और आसानी से समझ में आने वाला विषय बनता है। ये विषय हमने पहले भी स्पष्ट किया है, यदि आप देखें हमारी उत्तरों प्रदेश में जो वीडियोस हमने दिए हैं अपच के, कब्ज के, उसमें आपको ये बात हमने बताई नहीं है कि आपके अपच का पूरा विषय हमने लिया था, इसलिए हमने पुनः आपको बताया है। यदि ये समस्याएं हैं तो उधर प्लेलिस्ट में हमारे और वीडियोस हैं, उनको देख लीजिए। साथ ही वीडियो विवरण के वीडियोस, जो हर वीडियो के विवरण में इसमें भी हमने दिए हुए हैं, नियम पालन प्राणायाम के संपूर्ण वीडियो हमने दे रखे हैं, वो आपके तन मन मस्तिष्क और बाल झड़ने से लेकर कैंसर तक की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और अलग अलग प्लेलिस्ट में हमने रोग अनुसार और भी वीडियोस दिए हैं, तो आप उनको देखिए और नियम पालन प्राणायाम करके आप अपने सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, और कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।